अकेले करेंगे नाश्ता। आज मैंने बहुत सारों ने कहा कि अंकल अंडा भी बढ़ा दिया करें, बहुत सारे मैं कह देता हूँ एक दो कमेंट होता तो मेरे लिए वही बहुत होता है। तो आज मैंने अंडा बनाया, पराठा बनाया और चाय। तो देखते हैं जिसमें पराठा बना रही, बस बस अंडे का जायका टेस्ट क्या बताना। लेकिन चले ठीक है, माशाल्लाह गुड। ये जी आज मैच भी देखने वाते हैं, जैसे ग्राउंड तमाशे बहुत सारे हो गए ने, हाउसफुल नको नक भर गया जी। तो असं पाकिस्तान स्कॉटलैंड का मैच देखने लगे हाँ। स्कॉटलैंड या नमीबिया की सी? अच्छा स्कॉटलैंड में पहले पहले ही ओवर होया। चलो अच्छी बैटिंग देखने को मिलेगी, लेकिन ये क्रिकेट है इसलिए किसी भी टीम को आप ये नहीं कह सकते ये कि ये छोटी टीम है या कमज़ोर टीम है या वीक टीम है। बात तो कहते हैं हर एक एवरी गेम काउंट्स, कुछ पता नहीं होता। मैं देखो देखें जी, मैं पहले भी कह चुका ग्राउंड फुल लको लक भरया होया, तो ये आके साथी जी पूरी स्क्रीन थोड़ी खिलने लग पी शुरू चर रन रेट से भी है तो कोई गल नहीं। जबरदस्त की ख्याल है तेरा, सही जा रहा है नहीं लगता मेरे को कितने बढ़ गई चाह का रंग देखो जी, बड़ा जबरदस्त किस्म का। मैं पता नहीं अपना आ दिखा चुका हूँ, मैं छुट्टी है देखो जी, मैं अपने समान चाह सकती हूँ, ओवर वेट क्यों होना इतना भारी है ये। और किचन एड जो वहाँ के लोग हैं उनको इस ब्रांड का पता भी, इन्होंने चेंज किया दूसरे से तो मैं इसको ले आया। तो माशाल्लाह चाय का रंग देखें, ये तो देख ले। और ये इनको देसी मुर्गी के अंडों का शौक चढ़ा किसी ने कहीं बताया या जो भी है, वो बॉयल कर लिए। देखेंगे तो घर में खाए अभी खा सकते हैं अभी खा लें, लेकिन ये आए रोटी कल दी है इसको रात ही। ये तो मैंने हाँ घी लगा के गर्म किया, नहीं थी कोई हम नहीं और भी नहीं, नहीं वाकई तो बस फिर तो कोई बहुत है नहीं। वो तो देसी के जो तो थोड़ा डिग जावे ना तो वो तो फिक्र ना करें आप ना ला भी लो। ये मेरे लिए कल वाली रोटी होटल से लाए थे तो उसको आसा ने थोड़ा गर्म कर दिया, आसा देसी के लाया दूसरा लाया। ये दो अंडे वो बना दिए, चाय है और बॉयल अंडे जो है वो बॉयल तो आसा ने चार कर लिया, लेकिन आसा चार तो आप ही ना खा लेंगे थे तो बस दो खा रहे, दो पै रहे थे तो कोई जो चार कट्ठे खाने ठीक नहीं है। मैं नाश्ता करके ना आधे घंटे बाद खा लूँगा फिर मैं। तो फिर आपको माशाल्लाह बड़ी वड्डिया वड्डिया वड्डे वड्डे लोग वड्डिया वड्डिया कंपनियां दी चीजें आ रही है ना। हां इस कंपनी से बहर बहरिया बहिरा 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 कंपनी है जिससे ये कुत्ता है। हां माशाल्लाह जो हम लाहौर की तैयारियां कर रहे हैं पंजाब जाने की, शादी में जा रहे हैं पंजाब लाहौर और ये यूके से आया। ठीक है ये यूके से और इसी मैंने किया था तो उसके भी मुझे मेरे भी चार्जेस तो मेरे भी बनते हैं ना। हां बिल्कुल। अच्छा फिलहाल तो तू अंकल खा के जान पड़ा बस ठीक है। बहुत बहते अभी अपना ब्लॉग को थोड़ा लंबा करने वास्ते खाना पूरी कर रहे हैं तो आप तैयार हो जाए एक और मैं लुक के साथ आने वाली हूँ शादी पे, खुद ही तैयारी करूँगी, खुद ही वो
करना है सारा कुछ, तो आप लोग कमेंट करें कि क्या पहनना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए शादी पहनना क्या चाहिए, जेड़ा जेड़े फैंसी ड्रेस इस टाइप दे पाएंगे नो ट्रैक सूट तो पहनो रही तू जा। मैं तो फैंसी तो आ गया ना। हैं फैंसी तो आ गया। हां फैंसी आ गया, इससे हट के और नहीं, उनके वहां का वेदर बताए ना, लाहौर में वेदर अच्छा, कैसा अच्छा, है अच्छा। वो मेरे को पहनने के लिए मैंने पहले इतराज आ गया अंकल कहते उस एरिया में अगर आपने आना आगे जाना इस्लामाबाद मरी इधर उधर तो गर्म कपड़े लेके जाना, मुझे तो ये पता है बस। जितने तू हंस रही थी कि पिछले साल गर्म कपड़े लेके गए कहीं इस्तेमाल नहीं हुए, तो वो टाइम भी कौन सा था, अप्रैल, वो अप्रैल था नहीं सितंबर अक्टूबर था जब मैं आई थी और वैद ने स्नो बूट्स मंगवा लिए, स्नो जैकेट्स और पता नहीं क्या क्या, तो हमें इतने इतनी डेलियाँ मिली थी वहाँ पर पड़ी हुई। चलो ठीक है, लेकिन कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन, मतलब हम अपने अपनी प्रिकॉशन पूरी अपनी लेके गए हैं ना, नहीं इस्तेमाल हुए कोई बात नहीं, कार में अंदर पड़े वापस ले आए, हमने भी सर पे थोड़ी रखे हुए थे। तो पता है क्यों, कोई डाइट शुरू कर रही है ना कढ़ाई गोश्त के साथ डाइट। हाँ तो मतलब है कि ये तो पहले कि तू सोचे डाइट था ते चिकन नहीं है, ये तो मटन चिकन नहीं है, ये वो बकरा के नहीं उसने लाया था मैं। हाँ हाँ रखा हुआ था फ्रिज में, मैंने कहा इसको करके क्यों, तू तो हूँ चढ़ जाना शॉपिंग ते, मैं कहा तेरी जाती तो आएंगी होती मैं तेरू पका के रखूंगा कढ़ाई। नहीं आप खा लेना, मैं तो देर से आऊंगी, आप मेरा इंतजार मत करो। खा तो मैं वेट थोड़ी करी था, खा तो दो मिनट ही लेने, तो बाकी है के तो देखो कढ़ाई बनाते हैं सब कुछ डाल के इसमें जैसे चढ़ा देना, अब जब गल जाएगा फिर उसमें टमाटर और ये सब डाल के भून लेंगे ना। बहुत ही आसान है। हाँ। तो ऐसा नहीं मुश्किल, इन्हों ने खाओ का कढ़ाई को मुश्किल आई तो बनाना ही सबसे मुश्किल है। नहीं आसान है, ओ सबसे आसान है कढ़ाई, वाकई सबसे सब चीज बीच में डाल दो और उसके बाद बस उस ध्यान रखो, बस पानी डालो गल जाए और मसाले डालो उतार लो, बस इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है धनिया और जीरा कुटा हुआ और भुना हुआ, बस ये मेन इंग्रेडिएंट, वो दो चीजें डाल लें तो कढ़ाई आपके प्यार मिनटों में सेकंडों में। नहीं मैं तो थोड़े दो प्याज और डाल लेता हूं। तो आप एक्साइटेड हैं पंजाब जाने के लिए? बिल्कुल, मैं तो बहुत पहले से था, अगर ये कंस्ट्रक्शन ने मुझे रोक दिया नहीं तो मैं तो अब तक अपन दो बार पाओगे आ जाते पंजाब से, लाहौर इस्लामाबाद जाए बगैर मजा नहीं आता। अभी तो कराची नहीं गए, सब कराची वाले गुस्से हो रहे हैं कि फॉलोअर के आप कराची आ जाए, कराची आ जाए। नहीं इंशाल्लाह कराची भी चक्कर एक दिन लगाएंगे, कोई दिन रख लेंगे कोई प्रोग्राम किसी माल के अंदर। पिछली दफा भी कराची नहीं जा सके, ये लकी वन है कौन सा है इस टाइप के कोई बड़े माल के अंदर, इसमें क्या लोग बेचारे मिलना चाहते हैं तो नहीं नहीं मिलने के लिए, वो मीट एंड ग्रीट तो करना मुश्किल है क्योंकि कोविड है ना, कोविड तो नहीं जाना सारी उम्र अब, वो तो नहीं लेकिन वैसे जाएंगे। ये कोविड देखे हो, कल शादी की वीडियो लगाई उसमें देखा कितना कोविड था सिवाय मेरे, कोविड से मेरे नाल चल रहे थे बाकी सब ठीक से, कोई नहीं इधर सब कोविड शॉपर कुछ क्यों बकौल लोगों के, मैं तो नहीं ये कहता कि कोई कोविड की परवाह नहीं कर रहा, वो कहते है ही नहीं कोविड तो परवाह क्यों करे भाई, कल को 700-800 बंदे होंगे क्योंकि वहां उनका जो सिस्टम था ना, खाना 1 बजे खुल गया बल्कि शायद उससे पहले खुल गया, लोग खाते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं और उनके वेटर्स वो नई टेबलें तैयार करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, ये चल रहा था तो मेरा ख्याल 800-1000 बंदे तो होंगे ही, तो कोविड का तो निश्चित ये खाली जेंट्स उनकी लेडीज, ये जेंट्स की लेडीज तो डबल होंगे क्योंकि बच्चे होते हैं साथ फैमिलीज होती हैं, और लेडीज ना जब डबल की 3 गुना ला लो खाने भी बहुत है ये तो मेरे गले में फंस गई बात ये बात खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं हुई क्योंकि आदमी ज्यादा खाते हैं, तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब इंशाल्लाह ताला पंजाब के लिए तो अच्छा, ये बता दो ऑयल में बना दो बजाय कि घी शी ज्यादा, नहीं घी नहीं डालेगा थोड़ा डालेगा, ये जो ऑयल तुमने इस डिब्बे में डाला वो डिब्बा लीक था तो बस इसमें ये वेजिटेबल ऑयल है इसको बहुत ज्यादा भी नहीं डालना लेकिन कम भी नहीं क्योंकि फिर कढ़ाई तो बनती नहीं ना, बस आ रहा हूँ शहर जाना कपड़े दिए हुए उनके लिए कोई या उनकी फिटिंग चेकिंग के लिए दर्जी के पास जाना है तो जब जाना है तो जल्दी निकलो ना,
मुझे उसके बाद कई काम करने हैं, मैंने कढ़ाई बनानी है, मिस्त्रियों के काम है, छोटी छोटी चीजें लानी है, फिर मैं वो कर लेने चला गया। ये जो शायरी करते हैं ना, ये सारी ड्रामे होते हैं। नहीं ड्रामे नहीं, और दूसरी बात यह है कि अभी ये देखो कि रिक्शा लाना ये भी तो काम है ना। रिक्शा लाना नहीं, रिक्शे से ही तुमने बहन को कहना दरवाजे पे तैयार रहो, फिर वहाँ रिक्शा ढूंढोगे तुम लोग यार। नहीं वहाँ तो सामने ही खड़े होते हैं रिक्शे। यहाँ भी सामने ये भी आएगा, इसमें बैठो। नहीं नहीं नहीं, तो गड्डी नो चार पड़ा अचार ही जमाला दो था। एक तो तेनो गड्डी दे बड़े शौक है, पता नहीं मैं तो समझ नहीं आई मेनू, तो मैं हूँ कुछ कहना नहीं चाहता, बस ठीक है। ये तो रिक्शे वो तो ना सीधी डील मुका के भी वहां से मैंने अपनी बहन को उठाना है और सीधे खिसकपुरे जो मार्केट में। नहीं डीले मिले मैं नहीं बनाती, मैं इसी काम के लिए आई हूँ, रिक्शे पर डीले बनाती हूँ। वो तो मैं बनाऊंगा ना, मुझे तुम यस करोगी तो मैं यस नहीं करूंगी। मैं यस क्यों करूं, तो जिंदगी अजीर्ण करती हुई है तुम तो। यार ये बोलते हुए आते हैं जैसे। रोटी खान ले पैसे देने नहीं, तो आप कल से सारे खुले पैसे ले लिए मेरे पास, मशीन है, बैंक बनी हुई है, बैंक बनी हुई है मेरे पास खुले पैसों की। तो पैसे सब बन के बैठी है, पैसे नहीं कट रही तो मैं चीखा मार मार था जाना भी जो खत्म हो जाएगा तेरे को फेमस को लानी दोबारा। मैं तेरे पास आप कल से ले चुके हैं और तू कोशिश करेगा तू जुमेरात वाले दिन पैसे मांगे कर मेरे को। आप तो रोज मांग रहे जुमेरात वाले दिन मैं पैसे बिल्कुल हाथ अपना बिल्कुल खुला रखा हूं। बता दूं क्यों मांगते हैं, क्योंकि क्या होता है कि रक्षा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कोई चीज डिलीवर हो रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है, या किसी से कुछ मंगाना है तो जैद को होता है चलो उनको एक्स्ट्रा कुछ दे दें, तो वो खुले पैसे ही मांगते रहते हैं। 100-100 के हैं, 50-50 के हैं, कुछ हैं, तो वो तो मैं बहरे जो होते हैं वो यूज हो चुके हैं। अब घर में बैंक तो नहीं लगी हुई ना जो खुले पैसे जैद को मैं दूं। कमेंट करें अगर आपके साथ भी ये घर में होता है। कढ़ाई कहाँ तक पहुंची? मेरी कढ़ाई पक चली है तो तू नहीं करो निकली है। देखो मैं अभी इसमें क्या चीज, अभी हरी मिर्च साबुत डाल दी बस, और कुछ टमाटर मेरा अपना जो ख्याल है, मुझे नहीं बताया बाहराना राय कर दे सकती हूँ कि टमाटर पहले डाल दो ना, तो खास तौर पर चूँकि बकरे गोश्त है ये गन्ने में देर करता है, खट्टी चीज़ डालो है ना, ऐसा है या मुझे शक है? बना मैंने देखा टमाटर पहले डालो तो देर से करती, अभी मैंने इसको पका के काफ़ी देर के बाद फिर टमाटर डालूंगा, अगर आधी पक जाए फिर जाऊँगा। और अभी हल्की आ करके और देखो ये बकरे का बकरा भी काला कटा हो जल्दी कर दे बस तू शहरों नस के हो गया जब वापस आएंगी जाति दोहराना जाति पक जाएंगे स्पेशल अगर तू स्पेशल को मसाले चुकाने तो दस जा ये भी डाल देना बाकी मैं नाश में मसाला थोड़ा सा योगर्ट डालना और योगर्ट डाल और गर्म मसाला जो है वो डाल बस और कोई चीज़ ना डालो सिर्फ गर्म मसाला थोड़ा सा डाल गर्म मसाला डालने जीरा धनिया तो वो भुना हुआ नहीं है ना आपके पास नहीं नहीं कढ़ाई में वो डाल हल्की आग करके मैंने अब इसको क्योंकि ये बकरा हुआ ये बड़ा चीड़ा तेरे को इन्हें गाँव से टाइम लेना मुर्गी जल्दी कर लेती है हल्की आकर आप लोगों को होता है कि मैं खाना दिखाऊं तो दिखा दिया आपको ये ले ऐसे बोला नहीं मैं स्पेशलिस्ट हूं चलो ठीक है ना चलो वो बातें छोड़ हॉली हॉली पकती रहे थोड़ी थोड़ी देर ना ही लगता ना वो टमाटर देर ना पौने में देखिए आम तौर पे मैं पता नहीं मेरी आदत में दही ये गोश्त कोई भी बनाऊँ तो मैं इसमें योगर्ट नहीं डालता अनलेस को कोई याद दिलाए जैसे अभी आस पास भाई जी मुझे याद दिलाया था वो भी डाल देना बस वो एक ऐसे हैबिट सी बनी हुई है बहरहाल इससे टेस्ट अच्छा बनता तो आज मैंने वो भी एक्सपेरिमेंट किया मैंने कहा योगर्ट डालता हूँ और दूसरी ये कि देखिए इसके कई तरीके हैं अब या तो आप किसी तरह भून के और आप ज़्यादा मेम्बर नहीं हो और आपने खुश खाना है तो आप इसी को भूनते जाए देख लें जब पूरी गल जाए इतना पानी शायद डालना पड़ जाए कि ये गल जाए पूरी वो एक अलग बात है लेकिन अगर हमारे जैसे जैसे शोरबे में जैसे वो कहते हैं ना कुंदरू खिल्ली में हमारी गेम है पानी के अंदर डुबकी लगा के कुंदरू खेलना इसके अंदर डुबकियाँ लगानी है तो फिर गहरा पानी चाहिए ज़्यादा मेम्बर हो शोरबा चाहिए अगर गोश्त है आपने उसके ऊपर सॉरी चावल हैं आपने उसके ऊपर डाल के खाने तो शोरबा चाहिए तो हालांकि हम दो जने में चाहूँ तो इसको ऐसे ही कुछ कर लूँ लेकिन आप इशारा देगी थी कभी मैं आऊँगी तो फिर चावल बनाते हैं आज मैं चावल बनाऊँगी इसीलिए मैं थोड़ा शोरबे वाला रखूँगा तो इस वक्त देखें
रंग बिल्कुल आ गया है, बड़ा खूबसूरत धुल गई है, खुशबू आ रही है। अब धुलने के बाद फिर अब आप एक्स्ट्रा पानी डाल के उसको पका लें और थोड़ी सी अगर नहीं गली तो गल दीजिए। लेकिन इस स्टेज पर कि मैंने टमाटर डाले, थोड़ा सा आपको ये ज़्यादा पकी हुई लग रही है, जैसे दिखने में ऐसे लगे जैसे कि जल्दी जली नहीं, शुक्र है। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं वो कभी मिस्त्री की तरफ जाता हूँ, कभी इधर वो जल्दी छोड़ गया, तो थोड़ा सा ज़्यादा वो, लेकिन शुक्र है कि नीचे तले में जैसे लगती इसकी में इसमें एक स्मेल पैदा हो जाती है ना, उससे बच गए। तो बस अभी ये समझो तैयार है, इसमें मैंने पानी इतना डालना है जो हम उसके लिए, उसी में टमाटर बिल्कुल और भी गल जाएंगे, जिसमें शोरबा आपको चाहिए चाप लो। तो होप के आसपा को पसंद आएगी, थोड़ी सी जैसे ओवर कुक या बर्न, रंग ऐसा एकदम उसका हो गया, लेकिन शुक्र है क्योंकि मैं बर्न उसको कहूँगा कि अगर उसकी स्मेल आ जाती वो नहीं होगी, बच गई उससे। मैंने कहा दोबारा से इसका रंग दिखा दो, देखिए उस वक्त कढ़ाई की शक्ल थी मैंने बता दी थी, खुश्क टाइप की, अगर कम बंदे हो तो वो खा सकते थे। उसके बाद क्योंकि बकरा मुझे बता दी सही वो गला भी नहीं था, तो फिर पानी डालकर जब से बॉइल करा कढ़ाई में कुछ शोरबा ज़्यादा, मैं क्या यार जो तू चावल मैं क्या तू कहती थी ना चावल पकाने हैं, तो मैंने शोरबा थोड़ा ज़्यादा कर दिया। नहीं हंसने वाली कड़ी गल है, कढ़ाई ना कहे उसे कोरमा कहे। मैंने अपनी वीडियो में सब बता दिया लोगों को, मैंने कहा देखो जब कढ़ाई की ये शक्ल आप सूखा इसको खा ले ड्राई, और अगर आपने चावलों के साथ खाना है ज्यादा फैमिली मेंबर है तो फिर ये डुबकी लगाने वाला शोरबा बना ले, तो मैंने वो बनाया। डुबकी वाला तो नहीं देखो इसको, मैं इसको एक प्याला पूरा भर के मैंने शहरयार को भी दिया, मैंने कहा चलो मैंने बनाया तो मैंने कहा अपने जाके घर में चेक कराओ, बहुत अच्छा रहा है, अब टेस्ट करेंगे और इसको खाएंगे। उन्होंने जवाबी तौर पे वो अभिषेक फौरदार भेज दिया, उसमें बाबी ने देखो वो तो बेचारी बड़ा कोशिश करती है कोई ना कोई चीज़ भेजती रहती, आज मैंने बनाया बहाने से तो मैंने कहा मैं ये भेजूँ। चलें जी मैं आसपास से पहले पूछते हैं कि उसको टेस्ट कैसा लगा। रोटी मैं अभी मार्केट चौक से भाग कर लेकर आया, घर पर सालन बनाते हैं तो अच्छा बनाते हैं, आदमियों को यही होता है कि खाना जब भी बनाते हैं अच्छा बनाते हैं, हम औरतों की तरह जान नहीं छोड़ाते। नहीं जान नहीं वो तरह मैं बनाया तो मैंने दिल से अब देखते हैं जायका, लेकिन मैं पहले बता दूं कि मिर्चें मैंने बहुत कम डाली, वो हरी मिर्चें 3-4 थी वही डाली, बाद में मैं मिर्चें डालना ही भूल गया। नहीं बहुत अच्छा ठीक है जबरदस्त बना है, बिल्कुल सिंपल सादा सा इसमें फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छा बना। आखिर में मैंने वो गर्म मसाले की एक चम्मच डाल दी बस। नहीं बहुत अच्छा बना है और गोश्त भी बहुत अच्छी था, गोश्त का होता है गलने का गोश्त अच्छा गला, रंग चूंकि बहुत डार्क हो गया जैसे मैंने बताया कि शुरू में ज्यादा भुन गया, और शुक्र है बच गया कि वो नीचे लग के पूरा वो स्मेल नहीं आ गई इसमें, उस गोश्त से बचत हो गई। नहीं नहीं सही है, दूर क्या है, आपकी आवाज तो मल्ले तक जाती है दूर के। जबरदस्त था ना, स्पाइस फुल स्पाइसी नहीं है, मीट नहीं पर है तो मतलब वो हरी मिर्चों ने भी काम किया है अपना। गुड गुड मिस्टर दैट शाबाश। दाल बहुत अच्छी बनी हुई और मेरा ये है कि रोटी पतली सी है, एक रोटी खाऊंगी साथ में दाल लूंगी और गोश्त वैसे ही सालन खा लूंगी, कोशिश अभी भी ये है कि कैलोरीज थोड़ा कम करूं। तो दाल कैसी लगी, स्पाइसी है या क्या? नहीं नहीं बहुत स्पाइसी तो नहीं है लेकिन मतलब अच्छी बनी हुई। चलो दैट्स गुड। मैं चाय चाय अच्छा मिली बड़ा कप बनाया हमने, देखो जाता किधर तो दस केड़ा कप के लिए मुझे पता है, छोटा कप मेरे लिए और बड़ा का तो आपके लिए अपने लिए, क्योंकि मैं इस टाइम पे छोटा कप ही पीती हूं चाय। मच्छर लड़ गया था, हां बहुत मच्छर काट गया था, पड़ते आ रहे थे ना तपड़ जिन लेने, आज दो मच्छर में लड़ाई कर ले, बस अल्लाह करे कि वो डेंगू फ्री हो, अल्लाह ना करे, और वो फ्री हो लड़के मैं भला बड़ा फायदा, लेकिन जिथे काम कर रहे मिस्त्री उथे पानी है सब कुछ उथे मच्छर, बाहर का दरवाजा खुला होता ज्यादा मत। बस ये है कि हमारे घर में यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है सर ने हर जगह जालियाँ लगाई हुई है और मक्खी मच्छर नहीं आता, लेकिन जब से काम हो रही है जब से तो बस सारा दिन एक आध मक्खी अंदर आ जाती है, मच्छरों का तो दवाई भी रोज स्प्रे हो रहा है, लेकिन जाहिर है इतना बड़ा गेट खुला रहता है तो उसमें कितने मच्छर आते हैं। मैंने बस सोच रहा था अनबॉक्सिंग आप करनी थी तेरे लिख तेरे गिफ्ट दी नोकिया 105 कितना मिनी कितना आसान जिंदगी पूरा कर तू पढ़िया ना कितने लाइट वेट इना फोन नु फड़े हुए हाथ थक जांदे मेरे तो लगदा टॉय है जिना खेलन वाला फोन लगदा बच्चे आहो देखन चीज लगदा लेकिन काला करके देख लिया ना
आवाज आती भी आवाज आती भी आवाज जाती भी आवाज जाती आपको खारिश हो रही है एंटी एलर्जी खा ले खारिश हो रही बस नहीं आज जो दो तीन मच्छर लड़े हैं बस आप वो दवाई के लिए लगा के कुछ ज्यादा ही लड़ने लगता तो मैं स्प्रे लगा लिया करें बस गंजी डंडा है ना।